Dummy like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें यानमो का दिखाया जाता है जो कह रही थी कि मेरा काम हो गया, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी शाओ कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि आप किसी बात से परेशान हैं। यानमो कहती है, मैं सॉन्ग रेनरेन की जगह पर आ गई और उसकी लाइंस चुरा ली। ऐसा लगता है जैसे मैंने यांसी की स्टोरी को बदल दिया है। शाओ कहता है, मास्टर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वही सीन हमें 2022 का दिखाया जाता है जहाँ लूफी और यांसी की स्टोरी को देख रहा था, जहाँ सॉन्ग रेनरेन के यांसी के साथ पहली मुलाकात डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जहाँ लूफियन कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या यानमो ने टाइम को फिर से बैक ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है। बैक ट्रैकिंग के कारण मौसम में बदलाव आया और कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया और यानमो की लाइफ काफी कम हो गई है और सॉन्ग रेनरेन और यांसी के बीच में 6 महीने का डिस्टेंस आ गया है। तभी वो टाइम मशीन में बैठ जाता है और कहता है, यानमो की लाइफ कम होती जा रही है, मैं बैठे हुए देख नहीं सकता, मुझे उसकी मदद करनी होगी। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है जो कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी लूफियन कहता है, क्या तुम जाग गई। यानमो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूफियन कहता है, मैंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जिसमें बहुत से बदलाव आए हैं। सॉन्ग रेनरेन के साथ यांसी की पहली मुलाकात डिस्ट्रॉय हो गई है और उसमें 6 महीने की देरी हो रही है, इसलिए मैं इसका पता लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। यानमो कहती है, नहीं 6 महीने बहुत ज्यादा है, हमें स्टोरी को फिर से ट्रैक पर लाना होगा। लूफियन कहते हैं, सॉन्ग रेनरेन को मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। अब सिंह सॉन्ग रेनरेन का दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आई हुई थी और कहती है, माफ करना मुझे आने में देर हो गई, उम्मीद है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर रही हूँ। वही लूफियन दूर से ये सब कुछ देख रहा था और कहता है, जानबूझकर देर से आना और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। वही सॉन्ग रेनरेन दो लड़कों के बीच में बैठ जाती है। तभी लूफियन कहता है, मौका पाने के लिए शर्माने का नाटक करना, मुझे उससे निपटना ही होगा। तभी लूफियन कहता है, माफ करना मुझे देर हो गई, उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। देखकर सॉन्ग रेनरेन कहती है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर देर से आना। तभी लूफियन कहता है, मैं यहाँ का नया टी स्पेशलिस्ट हूँ। वही सॉन्ग रेनरेन एक लड़की को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर लूफियन एक लड़की के पास टी देने के बहाने से जाता है और जानबूझकर उसके हाथ को जला देता है और कहता है, माफ करना, क्या मैंने तुम्हारे सुंदर हाथ को जला दिया। तभी सॉन्ग रेनरेन कहते हैं, इसने तो मेरी लाइन चुरा ली। तभी लूफियन अपनी जगह पर बैठ जाता है। सॉन्ग रेनरेन कहते हैं, तो ये यहाँ का स्पेशलिस्ट है। और लूफियन के हाथ से टी का कप लेते हुए कहती है, मैं इसे आजमाना चाहूंगी। और टी पीते हुए कहती है, इसमें काफी अच्छी खुशबू है, क्या ये व्हाइट टी है। लूफियन कहता है, नहीं ये ग्रीन टी है, और स्माइल करने लगता है। तभी थोड़ी देर में वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लूफियन से बहुत सारी लड़कियाँ नंबर मांग रही थी। तभी लूफियन सॉन्ग रेनरेन के पास आता है। सॉन्ग रेनरेन कहते हैं, क्या तुम्हें मेरा वीचैट चाहिए, लेकिन ये काफी छोटी सी ट्रिक है, क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो और मेरा पीछा करना चाहते हो। लूफियन कहता है, नहीं तुम सिर्फ आधी सही हो, मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए डेस्टिन ढूंढने के लिए। सीना में यांसी का दिखाया जाता है जो कि मीटिंग कर रहा था और वो एक मेडिसिन को हटाने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, तुम कहना चाहते हो कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तभी यानमो खड़ी होती है और कहती है, मिस्टर यांसी सिर्फ ये कहना चाहते हैं, इस मेडिसिन से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे बीच में बोलने को किसने कहा, और निकल जाओ यहाँ से। तभी यानमो यांसी से कहती है, वो आदमी समझना ही नहीं चाहता, इसलिए आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारे पास करने को काम है। तभी यांसी यानमो के साथ जाने लगता है। तभी यानमो बाहर आते हुए कहती है, क्या मैं अभी अभी काफी कूल लग रही थी। तभी मिस्टर शू वहाँ आता है और कहता है, मैंने शेयर होल्डर को समझा दिया है। यांसी कहता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तभी मिस्टर शू यानमो से कहता है, मैंने सुना है तुमने लिन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की है, तो तुम किस ग्रेड में थी। यानमो कहते हैं, क्लास 1 2016। ऐसे ही वो उससे बहुत सारे सवाल पूछता है जिसका आंसर यानमो दे देती है। तभी यांसी कहता है, तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। मिस्टर शू कहता है, क्योंकि मुझे कुछ मिला है, और उसे वो वीडियो दिखा देता है और कहता है, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम यांसी के कमरे में क्यों गई। यानमो कहती है, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला। मिस्टर शू कहता है, मुझे इसके बारे में समझाओ। तभी यानमो यांसी का हाथ पकड़ती है और कहती है, दरअसल मैं एक फैन हूँ, इसलिए मैंने होटल के एक आदमी को पैसे की लालच दी और उससे चाबी ले ली। मुझे बताया कि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी अजीब हूँ, लेकिन जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो ऐसी चीजें करने लगते हैं। तभी यांसी कहता है, ढंग से खड़ी हो जाओ, तुम्हें दूसरों के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। यानमो कहती है, आप काफी हैंडसम है, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यानमो मिस्टर शू के सामने देखते हुए सोचती है,
मैं तुम्हारे साथ आसानी से निपट सकती हूँ ओल्ड फॉक्स, तभी मिसेस शू भी घूरते हुए कहता है। लिटिल फॉक्स, मुझे मौका मत देना कि मैं तुम्हें पकड़ लूं। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ शो ने यानमो को पहले ही सारा बायोडाटा दे दिया था, इसलिए वो आंसर अच्छे से दे पाई। तभी यानमो कहते हैं, मैं एक एक्टर हूँ और जब मुझे स्क्रिप्ट मिल जाती है तो मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ। सीन हमें मिसेस शू का दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरा मन पढ़ सकती है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है जो लुफियन से कहती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। लुफियन कहता है, आज मैं सॉन्ग रेनरिन के पास गया और मुझे लगता है कि वो इनसी को अपने प्यार में आसानी से गिरा लेगी। यानमो कहते हैं, तो फिर हम उनकी मीटिंग करवा देते हैं। लुफियन कहता है, अभी सही समय नहीं आया है क्योंकि मुझे लगता है कि सॉन्ग रेनरिन किसी के भी प्यार में गिर जाती है और वो दूसरे आदमियों के साथ काफी इंजॉय करती है, इसलिए उसको इनसी से मिलवाने से पहले हमें उसके बुरे रोमांस को खत्म करना होगा। यानमो कहते हैं, ठीक है लेकिन सब कुछ जल्दी करना। अब सीन रेनरिन का दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आई थी और आते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी लुफियन दूर से कहता है, तुम सही समय पर आई हो, चलो अब तुम्हारी सारी मछलियों को एक साथ लाए और तुम्हारा ये बुरा रोमांस खत्म करे। वहीं दूसरी तरफ रेनरिन उस आदमी से कहती है, मैं अभी आती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी रेनरिन को एक और आदमी मिल जाता है जिसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी कहते है, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। वहीं एक तीसरा आदमी भी वहां आ जाता है जो कि वेटर को रेनरिन के बारे में पूछ रहा था। तभी रेनरिन ये सुन लेती है और उसके पास आके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी कहते है, तुमने तो मुझे बात करने के लिए बुलाया था। तभी वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। तभी रेनरिन बहाना करते हुए कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उस पहले आदमी के पास जाती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और बहाना करते हुए दूसरे आदमी के पास जाती है और वहाँ पर भी खाना खा के तीसरे आदमी के पास जाती है और बार बार ऐसा करने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मछलियाँ छोड़ नहीं सकती, और वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर वो तीनों आदमी काउंटर पर खड़े थे और कह रहे थे कि हमारा बिल किसने भरा। तभी एक आदमी सॉन्ग रेनरिन से कहता है, क्या तुमने बिल भरा। तभी दूसरा आदमी कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। तभी वो आदमी कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब सीन लुफियन का दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी भी एक रिलेशनशिप को ईमानदारी से निभाना चाहिए। रेनरिन कहते हैं, मैं सभी रिलेशनशिप को ईमानदारी से निभाती हूँ और मैं अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रही हूँ। सालों पहले मैं किसी को पसंद करती थी जो कि मेरा सच्चा प्यार था। लुफियन कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। रेनरिन कहते हैं, शायद वो मुझे नहीं जानता। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है जो कि शाओ से कहती है, तुम्हें क्या लगता है लुफियन अपना काम कर पाएगा। तभी एक कलीग वहाँ आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम आज काम पर नहीं गई। यानमो कहती है, आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने छुट्टी ली है। तभी वो कलीग कहती है, मिस्टर यिनसी भी बीमार है और उन्होंने भी छुट्टी ली है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। यानमो कहती है, यिनसी बीमार है तो वो रेनरिन से मिल नहीं पाएगा, मुझे जाकर उसे देखना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। अब सीन यानमो का दिखाया जाता है जो कि यिनसी के घर की डोरबेल बजाती है। तभी यिनसी दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आई हूँ। तभी यिनसी कहता है, बाहर रहो, मैं आज छुट्टी पर हूँ। यानमो कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो उस पर ही सो जाता है। तभी यानमो उसे अंदर ले जाकर सुला देती है और उसके कपड़े निकालने के लिए जाती है, लेकिन तभी यिनसी उसे पकड़ लेता है। तभी यानमो कहते है, क्या कर रहे हो। यिनसी कहता है, मत जाओ, मुझे कोल्ड है। तभी थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ यिनसी के घर में एक लड़की घुसी चली आ रही थी और यिनसी के बेडरूम में आ जाती है जहाँ पर यानमो और यिनसी दोनों सो रहे थे। तभी वो ब्लैंकेट हटाती है। तभी यिनसी कहते है, क्या कर रहे हो, लेकिन वो तो फोटो लेने लगती है। तभी यिनसी यानमो को वहाँ पे देखकर डर जाता है। यानमो कहती है, मेरी फोटो मत लो। यिनसी कहता है, आप क्या कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो लड़की कहती है, अपने कपड़े पहनो और बाहर आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। यिनसी कहता है, रुको मैं आपको समझाता हूँ। तभी यानमो कहती है, वो कौन थी। यिनसी कहते है, मुझसे पूछना बंद करो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानमो कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है। अब सीन उस लड़की का दिखाया जाता है जो कहती है, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। यिनसी कहता है, ये मेरी असिस्टेंट है और जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तभी वो लड़की कहती है, तुम एक आदमी हो और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो। तभी वो यानमो के पास जाकर कहती है, चिंता मत करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। तभी यिनसी कहता है, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तभी वो उसकी टांग पर मारती है
और उसे घुटनों पर बिठा देती है और कान पकड़ते हुए कहती है चलो जल्दी से माफ़ी मांगो। तभी इनसे माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो यान्मो से कहती है चिंता मत करो अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और वहाँ से जाने लगती है। यान्मो कहती है लेकिन तुम हो कौन। तभी वो कहती है मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ। तभी इनसे चिल्लाते हुए कहता है नहीं तुम मेरी छोटी सिस्टर हो। अब सिन लुफियान का दिखाया जाता है जो कि सोंग रेनजन से कहता है क्या तुम अपने पहले क्रश से मिली। सोंग रेन कहती है शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लुफियान कहते हैं तुम दोनों जल्दी ही मिलने वाले हो। सोंग रेन कहते हैं तुम्हें कैसे पता। लुफियान कहते हैं मैं भविष्य पढ़ सकता हूँ। वो कहते हैं तो फिर मेरा भी भविष्य पढ़ो। लुफियान कहते हैं तो तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ। तभी सोंग रेन कहती है बचपन में मुझे पियानो बजाने से नफरत थी क्योंकि मेरी मॉम मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती थी इसलिए मुझे लगा कि मेरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है बिल्कुल एक कीबोर्ड की तरह। लेकिन जब तक कि मैं उससे नहीं मिली थी। वही सीना में फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर यान्मो पियानो बजा रही थी लेकिन तभी उसे किसी और के पियानो बजाने की आवाज़ आती है। तभी वो उसे देखने के लिए जाती है जहाँ पर एक लड़का पियानो बजा रहा था और जब वो बाहर चला जाता है तो वो उसकी नोटबुक देखती है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था गुयानसी। तभी रेनरेन कहती है उसके बाद हम दोनों फ्रेंड बन गए लेकिन एक दिन अचानक से उसकी माँ दुनिया से चल बसी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी मॉम ही मेरी पियानो टीचर है इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको उसकी मॉम की फोटो दूंगी ताकि वो अच्छा महसूस करे। लेकिन जैसे ही उसने वो फोटो देखी वो मुझसे गुस्सा हो गया और मुझसे कहा कि वो दोबारा कभी मुझे नहीं देखना चाहता। उस दिन से हम फिर से कभी नहीं मिले। लुफियान कहते तो तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती हो। वो कहती है हाँ लेकिन अब स्टोरी खत्म हो गई है इसलिए तुम मेरा भविष्य पढ़ के बताओ। तभी वो वहाँ पे कार्ड्स रखता है जिसमें से एक कार्ड सोंग रेन उठा लेती है जिसे देखकर लुफियान कहता है तुम उससे फिर से मिलने वाली हो वो भी उस जगह जहाँ पर तुम उससे पहली बार मिली थी लेकिन जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वही यान्मो और शाओ भी उसकी बातें सुन रहे थे। तभी यान्मो कहते चलो उन दोनों को फिर से मिलवाते हैं। अब सिन यिनसी का दिखाया जाता है जिसे उसके पियानो स्कूल से एक इनविटेशन आता है जिसे देखकर यिनसी कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर मेरी मॉम काम करती थी। तभी यिनसी कहता है ठीक है मैं टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। वही दूसरी तरफ सोंग रेन को भी लुफियान का मैसेज आ जाता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।